आज हम सीखेंगे कैसे हम कन्वेयर बेल्ट का जो कॉइल आता है उस कॉइल में कितना लेंथ का कन्वेयर बेल्ट है उसको निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले देखिए, ये सपोज मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट का कॉइल है जिसमें देखिए ये जो अंदर वाला जो सेक्शन है, मतलब सपोज इसमें जो हॉलो टाइप का एक पाइप या सिलेंडर दिया हुआ रहता है, इसका जो रेडियस है वो आर है और बाहर का जो रेडियस है, मतलब बड़ा वाला जो आउटर एकदम आउटर में जो टर्न है उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर। और सपोज हम लोगों का बेल्ट का जो स्पेसिफिकेशन है वो 600 × 10, मतलब इसका जो बेल्ट का विथ है विथ 600 mm है और बेल्ट का जो थिकनेस है वो 10 mm है। और इधर कॉयल का स्पेसिफिकेशन में भी कैपिटल आर इक्वल्स टू 1000 mm और स्मॉल आर हो 900 mm। और बेल्ट का जो लेंथ, सपोज ये जो लेंथ है ये बेल्ट का विथ ही होगा इसलिए 600 mm है। अभी इस टोटल कैनफेयर का जो कॉयल है इसमें कितना मीटर का या फिर कितना मिलीमीटर का बेल्ट है उसको निकालने के लिए दो ऑप्शन है। एक, अगर आपको इसमें जितना नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब ये जो बेल्ट है ये कितना नंबर ऑफ टर्न्स में यहाँ पे लगा हुआ है ये अगर आपको पता चलेगा तो उस टाइम के लिए एक अलग फार्मूला, और अगर ये जो एन है एन अगर आपको पता नहीं है तो उसके लिए एक अलग से फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमें एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इस कन्वेयर कॉयल में वो अगर पता है तो उस टाइम हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सपोज हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, सर्कल का पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करेंगे। सपोज ये जब हम लोग इस साइड से जब देखते हैं तो ये व्यू हम लोगों का इस टाइप का आता है, तो इसमें क्या होगा ये जो छोटा वाला सेक्शन दिख रहा है ये सबसे इनर वाला सर्कल है और ये जो बाहर में जो कॉयल का मतलब जो रेडियस दिख रहा है सर्किल देख रहे हैं ये आउटर सर्किल है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला था 2 πr + r (n/2), ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अभी देखिए ये जो बाहर में जो मेरा सर्किल था, सपोज मैं सोचता हूँ कि इसका जो सर्किल है 1000 mm है और उसके बाद बेल्ट का जो थिकनेस है वो मुझे पता है कि 10 mm, मतलब इसके बाद 10 mm करके मेरा जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें टोटल सर्किल का रेडियस कम होता जाएगा। तो 1000 mm उसके बाद आएगा 990, 980, 970, 960, ऐसे करके मेरा 900 तक आएगा। तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या है कि मेरा जो 1000 mm जब होगा तो उस सर्किल का जितना भी पेरीमीटर है उसके बाद 990 का सर्किल का पेरीमीटर, इस तरह से इस 900 तक का जो मेरा सर्किल है उस टोटल सर्किल का जितना पेरीमीटर होगा वही मेरा टोटल कन्वेयर बेल्ट का लेंथ होगा। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिखे इस टाइप से फॉर्मूला को लिखा है। अभी देखिए इसको थोड़ा सा हम अगर इलेबोरेट करते तो क्या मिलेगा हमें, π × r + r (n). ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अभी देखिए ये जो फॉर्मूला है ना ये नंबर सीरीज से हमें मिलता है। सपोज कोई हम लोगों का पास नंबर सीरीज होगा है, सपोज a+a+1x, a+2x, इस तरह से अगर मेरा नंबर सीरीज आता है a+nx, तो इस टाइप का जो नंबर सीरीज होगा इसके लिए हमें फॉर्मूला जो पता है उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए थे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो हम लोगों का डेटा है उसको इनपुट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। तो इसमें मेरा पाई है आर जो कि मेरा 1000 था, स्मॉल आर जो 900 था और नंबर ऑफ टर्न्स मेरा 10 था। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आता है वो होगा 59.69, जो नियर अबाउट हम लोग पकड़ेंगे इसको 60 मीटर। चलिए अब देख लेते हैं कि दूसरा फॉर्मूला क्या है। दूसरा, जब एन इज अननोन मतलब जब नंबर ऑफ टर्न मुझे पता नहीं है तो उस टाइम हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उस टाइम हम सिंपल सा वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या वॉल्यूम, ये जो मेरा कन्वेयर बेल्ट का जो कॉयल है ये सिंपल सा एक हॉलो सिलेंडर के जैसा दिखता है जिसका ये अंदर वाला जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और बाहर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। और इसका जो बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन है ये मेरा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के तरफ दिखता है। तो सिंपल सा हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या होगा कि जो टोटल कन्वेयर बेल्ट का कॉयल में ये जो वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम में मेरा जितना बेल्ट है और 1 मीटर या फिर 1000 mm का जो बेल्ट का वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना लेंथ का
हम लोगों के पास कन्वेयर बेल्ट है इस कॉइल में, तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई ए बी सी, ए हो गया मेरा हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम और ए बी सी हो गया इस क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम। तो इसमें अगर हम लोग डेटा इनपुट करते हैं तो क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 1000 स्क्वायर, सॉरी पाई 1000 स्क्वायर माइनस 900 स्क्वायर इंटू एल, एल मतलब मुझे मिला था 600 डिवाइडेड बाई ए बी सी। ए बी सी मतलब क्या है, 600, 10 और 1000। मैं 1 मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो आसान होगा कैलकुलेशन, इसीलिए मैं इसको 600 इंटू 10 इंटू 1000। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद भी मेरा वही फार्मूला वही ऑप्शन आएगा 69.69 जो नियर अबाउट 60 है। अब देखिए जब हम लोग इस कैलकुलेशन को कर रहे थे तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग मिलीमीटर में भी कर सकते हैं या फिर इसको मीटर में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अगर आप पहले 1900 को मीटर में कन्वर्ट कर लेते तो बहुत आसानी होगा, नहीं तो बाद में आपको रिजल्ट को मीटर में कन्वर्ट कर सकते या फिर सेंटीमीटर के में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें मेरे पास 1, 2, 3 यूनिट है और नीचे भी 1, 2, 3 यूनिट है, इसीलिए इधर मुझे आप मिलीमीटर में या सेंटीमीटर पे किसी भी रखो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन आंसर मेरा वही आएगा 60 मीटर।